अबे ओए, कौन है तू और यहाँ क्यों सो रहा है? मैडम वो क्या, वो कौन है तू? मैडम ये मेरा बेटा है। अच्छा, लेकिन ये यहाँ पर क्यों सो रहा है? मैडम हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो कुछ दिनों से हम यही सो रहे हैं। क्या तुम लोग यहाँ सोते हो? आज के बाद अगर तुम दोनों यहाँ सोए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैडम फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर भी नहीं है। अगर सोना है तो जाकर रोड पर सो, ये ऑफिस है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। ये प्यून और उसका बेटा ऑफिस में क्यों सो रहे हैं? और तुमने किससे पूछकर उनको परमिशन दी है? मैम वो उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए मैंने परमिशन दी थी। मैं यार अगर घर नहीं है तो रोड पर सोए ना, ये ऑफिस है, कोई गरीब खाना थोड़ी ना है। मैम आप ये कैसी बात कर रहे हैं? श्याम जी पिछले 15 साल से हमारे यहाँ प्यून का काम कर रहे हैं, और आज वो इतने दर्द और तकलीफ में, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कैसा दर्द? आपको नहीं पता मैम, उनकी वाइफ को कैंसर था और उनके इलाज के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी। फिर भी पैसे कम पड़ गए, उन्होंने बहुत जगह मांगने की कोशिश की लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, और आखिर में उनको अपना घर बेचना पड़ गया। बस एक बेटा है और उसकी सारी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है तुम अपना काम करो। मैडम जी मेरे पास महीने की एडवांस सैलरी चाहिए। नहीं मिलेगी, तुम्हारा हर बार का यही नाटक होता है। मैडम मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, आप मेरी मजबूरी समझिए। मुझे कुछ नहीं समझना, तुमसे कह दिया ना और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। श्याम जी मुझे आपसे कुछ कहना है। जी मैडम जी कहिए। आज से आप लोगों को ऑफिस या कहीं बाहर सोने की जरूरत नहीं है। मेरे घर के ऊपर वाला कमरा खाली है, आप दोनों वहां रह सकते हैं। सच में मैडम? हाँ, उस दिन जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैंने आपकी मदद नहीं की, लेकिन आज मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अपनी गलती सुधारने का मुझे एक मौका मिला है, और उस दिन मैंने आपकी वाइफ को न जाने कितना गलत बोल दिया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं मैडम, आप माफी मत मांगिए, बल्कि शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने हम लोगों को रहने के लिए अपना घर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है, मैं गाड़ी लेके आती हूँ, फिर आप दोनों मेरे साथ चलना। जी मैडम।